एक शॉर्ट में मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ अपना. मेरा नाम डॉक्टर सुयश चौहान है और मैंने MBBS MD किया है. और MD करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे UPSC करना है और मेरा ऑप्शनल मेडिकल साइंस था. दिस वॉज माई फर्स्ट अटैम्प्ट और बाय गॉड्स ग्रेस इसी इसमें हो गया है. द थिंग इज, अभी आप लोगों ने जो क्वेश्चंस भुवनेश से पूछे हैं वो मुझसे भी पूछना. आपको पता होगा आपने क्या पूछा है उनसे, वो बुरा नहीं मानेगा. या आप भी ऐसा मत सोचना कि अभी तो इनसे पूछा था अब क्या बोलेंगे ये फिर से. हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, कोई माइंड नहीं करेगा. बट द थिंग इज, यू विल गेट अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. शायद मैंने कुछ ऐसी चीज़ की हो जो आपको अप्लाई करे. से फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी टॉपर से आप पूछो तो ही माइट से कि द हिंदू पढ़ना, रेगुलरली पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं हो सकता. मैंने हिंदू पढ़ा ही नहीं, ठीक है. आई हैव डन इट विदाउट रीडिंग न्यूज़पेपर्स एंड आई पर्सनली फील दैट इज़ द बेस्ट वे ऑफ क्रैकिंग UPSC राइट नाउ. हैड इट बीन लाइक 2-3 ईयर्स बैक, आई वुड हैव सेड कि न्यूज़पेपर को ऑप्शन नहीं है. बट अभी वी हैव वेरी गुड रिसोर्सेज ऑनलाइन एंड वी आर वेस्टिंग आवर टाइम इन न्यूज़पेपर्स, ऐसा मुझे लगता है. तो आप में से कुछ ऐसे होंगे जो एक 3 दिन, हफ्ता भर अगर न्यूज़पेपर ना पढ़ो तो टेंशन आ जाता होगा कि यार मेरा तो हफ्ता भर का छूट गया, अब मेरा क्या होगा, वो कब कवर करूँगा. तो ऐसा एक बल्क है, एक 40% तो स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो रेगुलर नहीं रह पाते होंगे फॉर वॉट एवर रीजन्स. तो उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि यू कैन फॉलो माई स्ट्रैटेजी. जो रेगुलर है वो उन टॉपर्स को फॉलो करें, देयर इज़ नो हार्म ना. हमें बस क्रैक करनी है UPSC. सो राइट नाउ आई विल फोकस ऑन ब्रॉड एस्पेक्ट्स, स्ट्रैटेजीज या जो भी है टेक्निक्स जो मेरे काम आई है. और आप भी मुझसे क्वेश्चंस पूछना. पहले ही मैं ये बता दूं कि आई वाज नॉट एसोसिएटेड विद Chrome IIS, बट मैंने जब सर से बात की तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि द बेस्ट पार्ट इज़ बहुत कम लोग हैं यहाँ पे. सो एक पर्सनलाइज इंटरेक्शन होगा यहाँ पे जिसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है. क्योंकि हम सब यार किसी के पास कोई बैकग्राउंड नहीं है, हम ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे नहीं हैं, या हैं भी तो भी इट इज़ लॉन्ग वे बैक ना जब उन्होंने क्रैक की थी, तो हमें पता नहीं कैसे करना है. तो जितना टीचर्स टॉपर्स के साथ पर्सनलाइज्ड इंटरेक्शन हो उतना कॉन्फिडेंस आता है कि यार ये तो अपने में से ही था, इसने भी तो वो सब फेस किया है, तो हम भी कर सकते हैं, राइट. सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट. हैड आई नोन अबाउट Chrome IIS तो मैं यहाँ आ जाता, ये फ्रेंकली बोल रहा हूँ. और जैसे मैंने बोला कि कोई टॉपर परफेक्ट नहीं होता, चाहे जो भी रैंक हो फर्स्ट टू लास्ट, सबकी अपनी अपनी एक स्टाइल होती है. यू हैव टू सी क्या आपको सूट करता है. सेम अप्लाइज टू क्लासेस, कोई एक क्लास परफेक्ट नहीं होता. जैसे कॉमन डाउट होता है कि सर मैं कौन सा क्लास लगाऊं, तो कोई वन स्टॉप सॉल्यूशन तो है नहीं कि ये इस क्लास में जाओ या इस टीचर के पास जाओ वो सब कुछ आपको बता देगा. यू हैव टू पर्सनलाइज इट. क्लास में भी कौन कौन अच्छा पढ़ा रहा है, कहाँ से हमें लेना है, कौन सा क्लास अटेंड करना है, कौन सा छोड़ना है, यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ, वरना आपका टाइम पास हो जाएगा उसमें. सेम अप्लाइज टू बुक्स एंड रिसोर्सेस. कोई भी बुक पेज टू पेज नहीं पढ़नी है, चाहे वो लक्ष्मीकांत ही क्यों ना हो, कोई ज़रूरत नहीं है. बी स्मार्ट, किस चीज़ पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन सी चीज़ हमें डिफ़िकल्ट जा रही है और जो इम्पोर्टेंट है उस पर ज़्यादा फोकस करो, ठीक है. NCERTs जैसे कॉमनली बोला जाता है 6 to 10, 6 to 12 पढ़ लो. क्यों पढ़े भाई, क्यों पढ़े. हाँ, छठी क्लास का हूँ क्या मैं, क्यों पढ़ूँ मैं NCERT. आई डोंट नीड टू रीड इट ना, दैट वॉज माई क्वेश्चन, ठीक है. मैं पहले 12th से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि उतनी मैच्योरिटी तो आ गई है ना, उतनी उम्र तो हो गई है कि अगर NCERT को लगता है कि यार इसको 12th की किताब समझ आनी चाहिए तो आनी चाहिए ना. तो लेट मी रीड 12th फर्स्ट. अगर नहीं समझ आता तो आई विल गूगल इट, मैं समझ लूँगा क्या चीज़ है कोई एक टर्म. उसके लिए इतना टाइम पास क्यों, इतने सब्जेक्ट्स की 6 to 10 NCERT से फॉर एग्जाम्पल एक हफ्ता भी आपका चला जाता है, एक हफ्ता भी. तो उस एक हफ्ते में क्या आपके कॉम्पिटिटर सोने वाले हैं, वो तो दिन रात पढ़ रहे हैं ना, आप तो एक हफ्ता पीछे चले गए. और उस NCERT से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक हाथ क्वेश्चन, वो तो आप वैसे भी सॉल्व कर लोगे. 6th लेवल का 8th लेवल का क्वेश्चन आता है और आप नहीं लिख पा रहे हो, वो भी डायरेक्ट नहीं होगा, तो फ़ायदा क्या हो रहा है ना. सो थोड़ा सा स्मार्ट बनना है. जैसे मैंने कहा कि अगर आपको कुछ डिफरेंट करना है, अबव एवरेज रहना है, तो आपको डिफरेंटली सोचना पड़ेगा एवरी डे वाइल डूइंग एवरीथिंग. डोंट बी लाइक एवरीवन एल्स. एवरेज पूल में रहोगे, एवरेज लोगों की तरह सोचोगे तो एवरेज ही मार्क्स आएंगे, एवरेज रैंक आएगा. एवरी डे यू हैव टू थिंक कि मैं ये डिफरेंटली कैसे कर रहा हूँ. ठीक है, टॉपर ने बोल दिया, मैंने किसी ने भी बोला कि ये ऐसे करना है, क्यों भाई मैं वो वैसे क्यों करूँ.
मैं कुछ डिफरेंटली कर सकता हूँ, मैं इसको और इम्प्रूव कर सकता हूँ, आई कैन मेक इट बेटर, ये हर चीज़ के बारे में सोचना है। यू विल सी कि आप अपना दिमाग लगाओगे ना तो यू विल गेट वेरी गुड आइडियाज़, और आपको लगेगा कि यार ये मेरा कॉम्पिटिटर नहीं कर रहा होगा, सो आई हैव एन एज, तो ये कॉन्फिडेंस आता है। मैंने अपना जो इंटरव्यू जब होता है तभी हमें अगले प्रीलिम्स का फॉर्म भरना होता है, राइट? तो वो फॉर्म मैंने नहीं भरा था, ठीक है। द थिंग इज़ आई वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट माई प्रिपेरेशन, मुझे इतना तो पता था कि यार मैं टफ दे के आऊँगा, रैंक आएगा या नहीं वो पता नहीं, दैट इज़ ऑल लक बेस्ड। यहाँ जिनके रैंक्स नहीं आते हैं या जिनको अटेम्प्ट लगता है, दे आर ऑल्सो इक्वली क्वालिफाइड, इक्वली डिजर्विंग, थोड़े से कुछ रह जाता है। कॉन्फिडेंस क्या रहना चाहिए हम में कि जो चीज़ें कवर करनी है क्या मैंने वो कवर की है, यस वो टिक आ गया, कि जो बुक्स कॉमनली पढ़ते हैं मैंने वो पढ़ी है, क्या मेरा मेरी स्टडी उस लेवल की है कि मैं नेशनल लेवल पर टफ दे पाऊँगा, यस, अगर आंसर यस है देन इट्स ओके। आई थिंक इट्स व्हाट 50-60 डेज टू द मेंस, राइट? 63 टू बी प्रिसाइज। तो 3 डेज भी जब होंगे ना तब भी हो सकता है ऐसा लगे कि यार मेरा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये फीलिंग तो रहती है, बिकॉज हमारे सामने टारगेट बहुत ज़्यादा होता है, कवर उतना कभी नहीं हो पाता, तो हम हमेशा जो बचा हुआ है उसके बारे में सोचते रहते हैं कि यार ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये सबके साथ हो रहा होता है, इवन द टॉपर्स। तो क्या करना है उसके बारे में सोचना छोड़ दो, अभी अपने पास जो रिसोर्सेस है, अपनी जो स्ट्रेंथ है, जैसे भुवनेश ने कहा प्ले टू योर स्ट्रेंथ्स, तो उसके ऊपर सोचना है। नाउ लेट्स से 60 डेज है ना, तो मैं कैसे आपको गाइड करूँगा कि मुझे ये पहले बताओ आप कि आप 59th डे पे, या जो 63 डेज है तो 62nd डे पे आप क्या करने वाले हो, पहला पेपर कौन सा है और उस दिन क्या करने वाले हो। पहला पेपर ऐसे होगा आई सपोज, तो उसके एक दिन पहले तो नेचुरली ऐसे ही पढ़ोगे आप, तो एसेज तो सारे नहीं पढ़ते बैठोगे, तो क्या पढ़ने वाले हो एसेज का? कोट्स, फैक्ट्स, राइट? तो क्या आपके पास ऐसे 10-15 एसेज रेडी हैं अभी कि आप वो एक दिन पहले आधा आधा घंटा अगर उसको पढ़ लो, अगर सपोज वो आ जाए तो आप एक ब्यूटीफुल एसे लिख पाओ, क्या वो प्रिपेयर्ड है? आई डोंट थिंक सो ऐसे प्रिपेयर करते हैं, तो ये करना है अभी। और ये हम क्यों करेंगे? बिकॉज वी आर थिंकिंग बैकवर्ड्स, राइट? कभी भी एग्जाम देते टाइम पे ना एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, राइट? जब आप प्रिपेयर कर रहे हो उस टाइम पे, आई टेल यू इन डिटेल अबाउट कोट्स वोट्स, पढ़ने में भी एक आध घंटा जाएगा, न्यूमेरिकल्स, रेफरेंसेस, एनेक्डोट, स्टोरीज, जो भी आपने बना रखी होगी, कंपाइल किया होगा, टाइम कहाँ है? तो एक दिन बस होगा क्या? नहीं होगा, तो ऐसे को दो दिन, ठीक है, ये हो गई प्लानिंग। उसके एक दिन पहले क्या करोगे फिर? दो दिन ऐसे इसको छोड़ दिए, उसके एक दिन पहले GS1 या GS2 या GS3 या GS4 या ऑप्शनल, ये पता नहीं होता ना हमें। सो द फर्स्ट थिंग इज, अभी 60 डेज हैं, 63, तो पहले ये घर जाके ये प्लान आउट करो कि एग्ज़ाम कौन से दिन पे कौन सी है और उससे पहले क्या करना है। दो दिन हमने ऐसे को छोड़े हैं, उसके एक दिन पहले GS1 करें या 2 करें, क्योंकि एक ही दिन में दोनों हैं, राइट? छुट्टी भी नहीं होगी, अगर होगी तो ठीक है, बट अगर नहीं होगी तो GS1 GS2 में से कौन सा करें। सो इफ़ यू थिंक कि GS1 करना है तो GS1 का आर्ट एंड कल्चर पढ़े, हिस्ट्री पढ़े, ज्योग्राफी पढ़े, क्या पढ़े उस दिन, क्या रिवाइज करें। अब ये टेंशन अभी लेना सही है या उस दिन लेना सही है? इट्स बेटर टू प्लान इट आउट दैट वे, राइट? तो ये अभी प्लान कर लो। देखो मैं एग्जाम से पीछे आ रहा हूँ, एक अलग तरीके से सोचते हैं, ऐसे प्लान करते हुए आगे। सो से फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड किया कि ज्योग्राफी पढ़ता हूँ, यार ज्योग्राफी का आउटपुट रेशियो ज़्यादा है, उस दिन अगर रिवाइज कर लूँगा तो मैं लिख पाऊँगा। तो ज्योग्राफी क्या हम एक दिन में कवर कर पाएंगे? करना ही पड़ेगा, ज़्यादा टाइम तो है नहीं, दूसरे सब्जेक्ट्स को भी देना है। तो फॉर एग्जांपल आपने 5 आवर्स यू हैव प्लान कि आई एम गोइंग टू रीड ज्योग्राफी फॉर 5 आवर्स, उस दिन 5 आवर्स पढ़ना है तो आपको एक हफ्ता या 2 हफ्ते पहले उसको 2 दिन देने पड़ेंगे ज्योग्राफी को, तो वो दिन 2 दिन दे दो। फिर 1 महीना पहले आपको कम से कम 4-5 दिन उसको देने पड़ेंगे, सो दैट आप 2 दिन में फिर आधे दिन में कवर कर पाओ। उस तरीके से पीछे प्लान करते हुए आओ, तो आज जब घर जाओगे हर सब्जेक्ट के लिए वो प्लान करते हुए पीछे आज तक आना है, ठीक है? सो दैट आज आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि आज यार मैं आर्ट एंड कल्चर क्यों पढ़ रहा हूँ। यू नो द रीज़न कि यार आज अगर मैं इसको डिटेल में पढ़ूंगा तो अगली बार ये 2 दिन में होगा, फिर आधे दिन में होगा और एग्ज़ाम में मैं लिख पाऊँगा। मैं आज क्यों ग्लोबलाइजेशन पढ़ूं, जैसे ग्लोबलाइजेशन की बात हुई है, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स जो मैं एक दिन पहले, मुझे आधे घंटे में रिवाइज करना है,
तो आज जब मैं ग्लोबलाइजेशन पढ़ रहा हूँ तो उसके सारे कोट्स रेफरेंसेस ये सब मैं जमा करने लगूँगा, राइट? क्यों कर रहा हूँ ये क्वेश्चन हमेशा रहता है जब भी हम पढ़ रहे हैं, यार ये क्यों पढ़ रहा हूँ, इज़ इट इम्पॉर्टेंट? सो दिस आंसर्स द होल द क्वेश्चन कि वाई एम आई रीडिंग दिस, कि ये आपको बाद में काम आए. दिस इज़ अबाउट प्लानिंग. तो 60 दिन है तो 60 दिन ऐसे उल्टे प्लान करके आना है, ठीक है? आज क्या करना है ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, फिर वो क्लैरिटी आ जाएगी. या फिर आप कुछ फालतू का नहीं पढ़ते बैठोगे, अभी भी कन्फ्यूजन होगा कि नॉर्मल लॉ पढ़े या नहीं, या वर्ल्ड हिस्ट्री कहाँ से पढ़े. जब आप ये प्लान करोगे ना, उतनी बुक पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं बचेगा. राम आहूजा पढ़े या नहीं, टाइम ही नहीं बचेगा, कब पढ़ोगे? बट अगर आप प्लान नहीं करोगे तो एक हफ्ता या 5 दिन या इवन 2 दिन राम आहूजा पढ़ने में अगर डालते हो, दैट इज़ अ वेस्ट. इफ़ यू हैव 2 ईयर्स, आई वुड हैव सेड दैट राम आहूजा इज़ अ ग्रेट बुक, ऑसम बुक है, पढ़ लो, पॉइंट्स निकालो. बट उतना टाइम है नहीं, तो पहले प्लान करो, ठीक है? यहीं पे सबसे बड़ा डिफरेंस आएगा. आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, एग्जाम आते आते कोलैप्स होने लगेंगे कि इतना सारा पढ़ना था, मेरा टाइम पास हो गया है, अभी बहुत सारा बाकी है, मैं क्या करूँगा. वो आपका नहीं होगा बिकॉज यू हैव प्लान्ड इट. नाउ लेट्स कम फ्रॉम एग्जाम बैकवर्ड्स. एग्जाम वाला दिन, सपोज एग्जाम है आज. एग्जाम में क्या होता है, जब आप लिख रहे हो, जैसे भुवनेश सर ने बताया कि जब पेपर आएगा एक इनर्शिया रहेगा, लिख नहीं पाओगे. आई वुड सजेस्ट कि जो इनर्शिया है ठीक है, क्वेश्चन पेपर हाथ में आते ही एटलीस्ट गिव 5 मिनट्स टू एनालाइज इट. कुछ लोग वो नहीं करते, डायरेक्ट सॉल्व करते जाते हैं. द रीज़न इज़ वो कहते हैं कि यार पेपर पूरा देख लिया, कुछ गलत क्वेश्चन हो, डिफ़िकल्ट हो तो मुझे टेंशन आ जाएगा. बट द थिंग इज़, आपको पता होना चाहिए कि मुझे वो 3 घंटे कैसे मैनेज करने हैं, किसको ज़्यादा टाइम, किसको कम टाइम देना है. तो यू शुड नो कि कौन से क्वेश्चंस पहले, कौन से बीच में और कौन से एंड में मैं सॉल्व करूँगा. जो बिल्कुल ही नहीं आते वो एंड में रखना है, राइट? जो हमारी स्ट्रेंथ है वो हमें पहले सॉल्व करना है. तो अब स्ट्रेंथ को पहले सॉल्व करना है, दैट मीन्स जब आप पढ़ रहे हो तो स्ट्रेंथ क्रिएट भी करनी पड़ेगी. हर जीएस में अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होने चाहिए, विल टॉक अबाउट दैट. तो जब इनर्शिया है ना, तो जो फर्स्ट पेज है आपके आंसर का, दैट शुड बी योर बेस्ट पेज. वो होगा भी, बट पर्पजली उसको इतना अच्छा लिखो, इतनी अच्छी हैंडराइटिंग में कि रोना आ जाए एग्जामिनर को कि कितना अच्छा लिखा है. उससे होता ये है कि नॉट थिंक फ्रॉम द एग्जामिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू. आप चेक कर रहे हो सपोज पेपर, क्या करोगे आप? पेपर खोल के तो देखोगे पहला पेज, उसमें आपको उसका पोटेंशियल समझ आएगा कि यार बंदा बहुत अच्छा लिख सकता है, आगे कैसे भी हैंडराइटिंग हो, कुछ भी हो, बट ही विल नो कि यार इसको टाइम का प्रॉब्लम था, अदरवाइज वो बहुत अच्छा लिखता है, राइट? तो पहला पेपर इज योर फर्स्ट पेज इज योर फर्स्ट इंप्रेशन. उसमें इनर्शिया भी लगे हो जाएगा, वो कम भी हो जाएगा, 10 मिनट्स जाएंगे तो ठीक है, बट इट क्रिएट्स अ गुड इंप्रेशन. ये हो गया फर्स्ट. अब सीक्वेंशियली नहीं जाना है. आपने पहले पेपर देखा है, उसमें चूज़ किया है कि कौन से क्वेश्चंस पहले सॉल्व करने हैं. मैंने जब पेपर आया था ना GS1 का, तो उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि पैटर्न चेंज हो रखा है, कुछ क्वेश्चंस कम मार्क के, कुछ ज़्यादा मार्क्स के. मैंने वो मार्क्स देखे ही नहीं थे, मैंने बस क्वेश्चंस कौन से इंपॉर्टेंट है वो देखा. मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी स्ट्रेंथ पीछे से स्टार्ट होती है, पीछे वाले क्वेश्चंस आते हैं. मैंने पीछे से स्टार्ट कर दिया लिखना, एंड पेपर के बाद मुझे पता चला कि यार पीछे वाले क्वेश्चंस को ही ज़्यादा मार्क्स हैं. तो लकीली वो हो गया वैसे, बट आई एम ट्राइंग टू से इसकी वजह से आपको पता चलेगा कि मुझे कौन से पहले सॉल्व करने, तो आप ज़्यादा टाइम उनको दे सकते हो. नो मैटर हाउ मच यू प्रैक्टिस, नो मैटर वॉट यू डू, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा या बहुत रेयरली होगा कि पेपर एकदम हो गया और आराम से बैठे हो, ठीक है, या एकदम टाइम से सब हो गया और खुश हो, वाह क्या पेपर लिखा है. मतलब मैंने कितने फ्रेंड से बात की है, कोई भी टॉपर ऐसे नहीं कहता कि यार मैं आराम से बैठ गया था. इनफैक्ट जब मेरा ख़त्म होता था, मैं देखता था ना, तो लोग बिल्कुल एकदम आराम से बैठे हुए हैं, इधर उधर देख रहे हैं, मेरी तरफ सरप्राइज होके देख रहे हैं कि क्या लिख रहा है यार ये इतना. तो वैसे होता है. सो द थिंग इज़, आपको पहले पीछे से सॉल्व करो या आगे से सॉल्व करो, जो आता है वो पहले लिख दो. उसमें टाइम जाने वाला है, आपको ऐसा टाइम हमेशा आएगा कि बस 1 घंटा है और बहुत सारा लिखना है, आधा घंटा है बहुत सारा लिखना है, ये टाइम आने ही वाला है, ठीक है? प्रैक्टिस से हो सकता है कि वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाए, बट द थिंग इज़, आपको प्रैक्टिस क्यों करनी है, सो दैट जब ये टाइम आए तो आपने पैनिक नहीं करना है. प्रैक्टिस इज़ नॉट जस्ट फॉर इम्प्रूविंग योर टाइम मैनेजमेंट सो दैट एवरीथिंग फिट्स इन विद इन दैट टाइम फ्रेम. इट मे नॉट हैपन ना, बट द थिंग इज़, यू शुड नॉट पैनिक. जब ऐसी चीज़ें होंगी
कि आपको 10 मिनट में 3 क्वेश्चन सॉल्व करने या 4 सॉल्व करने, यू शुड नॉट पैनिक। वो प्रैक्टिस से पता चलेगा कि चलो यार 10 मिनट है, 4 क्वेश्चन है ना, मैंने प्रैक्टिस में किया हुआ ये, तो आप डरोगे नहीं, चलो लिख लो फटाफट, जितना आता है उतना लिख लो, राइट। एक तो प्रैक्टिस का ये फ़ायदा है। दूसरी चीज़ जो मैंने की थी वो है कि अपनी वॉच को एक 7 मिनट्स आगे करके रखा था, ठीक है। तो उससे ये होता है कि जब व्हेन यू आर सॉल्विंग द पेपर यू टोटली फॉरगेट कि यार टाइम क्या है क्या नहीं है, एंड टाइम ख़त्म हो जाता है आपकी वॉच में, एंड देन यू रियलाइज कि अभी और 7 मिनट है। बेस्ट 7 मिनट्स ऑफ योर लाइफ, क्योंकि उन 7 मिनट्स में आप एटलीस्ट 2 क्वेश्चन लिख सकते हो, क्योंकि उतनी स्पीड होती है, आप सोच रहे होते हो, और वो क्वेश्चन बचे हुए होते हैं जिसपे यार वैसे छोड़ने वाला था, लिख देते हैं चलो, ठीक है। तो से फॉर एग्जाम्पल 10-15 में से आपने 2-2 मार्क्स लिए उसमें, राइट। हर पेपर में आपको एक 4-5 मार्क एक्स्ट्रा, टोटल है 7 पेपर इवेल्युएट होते हैं, 5-5 मार्क, 35 मार्क्स। 35 मार्क्स में पता है क्या होता है? सो सिर्फ एक छोटा सा इम्प्रूवमेंट या छोटा सा एक्सपेरिमेंट इतना चेंज ला सकता है। करके देखो ये प्रैक्टिस में। मैंने 7 मिनट किया था, गॉड नोज वाई, बट आप लोग 10 कर लो, 5 कर लो, वॉट एवर, और भूल जाओ लिखते टाइम, सो दैट माइट हेल्प। देन अब पेपर लिखते टाइम और क्या करना है? फर्स्ट पेज हो गया, बाकी का सब सॉल्व कर लिया, अब बीच का स्ट्रेंथ अपनी कवर हो गई, अब बचता है बाकी सारा। तो कोई भी पेज ब्लैंक छोड़ के मत आना, लिखो उसमें कुछ ना कुछ, ठीक है। कुछ नहीं आता होगा, कुछ क्रायोस्फीयर या कुछ वैसा आया था, वॉट एवर, कुछ नहीं भी आता होगा, या मार्स मिशन पूछ लिया, जूनो पूछ लिया, जो भी कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ ना कुछ लिख के आना है उसमें, ठीक है। दैट इज़ बोनस ना, 1 मार्क भी एक्स्ट्रा वो टेक यू टू द टॉप रैंक्स। सो लिख के आना है, एंड लिखना ऐसे है कि उसमें सब क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, क्वेश्चन पढ़ते टाइम ही मार्क कर लिया, 4-5 अगर सब बिट्स हैं उसमें, उसकी हेडिंग्स डाल दो, अपने पास टाइम कम है, 2 मिनट में लिखना है ये, हेडिंग्स डाल दो 1, 2, 3, 4, थोड़ा स्पेस लिख के, हर हेडिंग के नीचे दो तीन पॉइंट्स, चाहे क्वेश्चन ही रिपीट कर देना, बट लिखो, एंड मेक योर एग्जामिनर टर्न द पेज। क्रैम्प अप मत करना, क्योंकि एक जनरल साइकोलॉजी होती है कि इफ़ यू टर्न द पेज यू माइट जस्ट गिव हाफ मैटर्स ना, आधा मार्क ज़्यादा स्कोर कर लिया, ठीक है। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ दिस हाफ मार्क, कितने क्वेश्चंस हैं? 20 क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन में हम हाफ हाफ मार्क ज़्यादा ले रहे हैं दूसरे से। हर पेपर में कितने मार्क्स एक्स्ट्रा? 10। कितने पेपर्स हैं? 70 मार्क, वो 35, वो 105 मार्क, कहाँ चले जाओगे यार। तो अभी कंपटीशन ये नहीं है आप लोगों की जो अभी मेंस दे रहे हैं कि मैं कितना क्या लिखूंगा वगैरह, पूरी इंडिया वही चीज़ें पढ़ रही है, हम लोग कुछ अलग नहीं बताएंगे, सेम सोर्स है, सेम चीज़ें। कंपटीशन क्रिएट होती है उस हाफ मार्क के लिए कि आप वो हाफ मार्क कहाँ से लेके आओगे। मैंने अपने GS के आंसर्स में भर भर के कोट्स डाले, क्या लॉस है यार, मेरा क्या लॉस है, एजुकेशन पे आ गया, अब डाल दूँ नेल्सन मंडेला, क्या तकलीफ है तुम्हें। हर चीज़ के ऊपर मैंने जब अपना कोर्स का कलेक्शन बनाया था ना, वो GS वाइज बनाया हुआ है, मैंने रैंडमली नहीं बनाया। GS 1 में टॉपिक्स, उसके हर टॉपिक पे दो तीन कोर्ट्स, आई कैन यूज़ इट इन एसेज ऑल्सो, बट आई हैव नॉट मेड माई कोर्ट्स कलेक्शन बेस्ड अपॉन एसेज, आई हैव मेड इट फॉर GS। अब GS में कोर्ट्स यूज़ करना रिकमेंडेड नहीं होता जनरली, थोड़ा फोर्स्ड फेक लगता है या जो भी है, लेट इट बी, क्या दिक्कत है। कंक्लूजन में डाल दो, एज राइटली सेड बाय नेल्सन मंडेला, एजुकेशन इज द बेस्ट वेपन दैट यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। तुम्हें क्या तकलीफ है यार, उसको पसंद आ गया हाफ मार्क दे देगा ना। सो दिस इज द हाफ मार्क। और हाफ मार्क कहाँ ला सकते हो? डायग्राम्स बनाओ, डायग्राम्स प्रैक्टिस करो, इंडिया के मैप को इंडिया जैसा बनाने की कोशिश करो, इंडिया लगना चाहिए, ठीक है, अच्छा लगता है। और इंडिया का मैप हमें बहुत बार निकालना पड़ता है, ऑलमोस्ट इन एवरी पेपर, और अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आप आधे मिनट में निकाल सकते हो इंडिया का मैप, नथिंग लाइक इट। अच्छा, मैप बना लिया, अब उसको कलर पेंस यूज़ करने हैं क्या? तो यस, यूज़ करने हैं, मैंने यूज़ किए हैं, ठीक है, एंड इट माइट हैव हेल्प मी। मार्क्स तो कटे नहीं है, रैंक आ गई है, तो यूज़ कर सकते हो जो भी हाइलाइटर कलर्स वॉट एवर। उतना टाइम नहीं होता, लेकिन इतना फास्ट लिख रहे होते हो आप कि देयर इज ऑलवेज दिस डायलेमा कि यार डायग्राम बनाऊँ या लिख देता हूँ यार, या डायग्राम तो बना दिया है अब कलर क्यों यूज़ करूँ, क्या यूज़ है, बना तो दिया है ना,
बट हाफ मार्क का सवाल है, तो क्या करना है, रखो वो पेन, एक वो चार कलर वाला पेन आता है ना मल्टी कलर्ड वाला, वो रखो एक सामने रखो. इफ़ यू हैव प्रैक्टिस दिस इन योर प्रैक्टिस टेस्ट, तो वो नेचुरली आएगा कि आप फटाक से उसको उठाओगे और जो भी सिटीज़ ग्रीन में कर दोगे या कोई एरिया है कोल फील्ड है ब्लैक से कर दोगे या कोई कॉरिडोर है सागरमाला है वो बना दोगे ये सब कलर्स से. अब होगा क्या, अगेन थिंक लाइक एन एग्जामिनर. मेरा पेपर है जो मैंने बिल्कुल ब्लू से डायग्राम बनाई है, ब्लू से सब कुछ किया हुआ है, और इनका पेपर है सेम डायग्राम है कलर्ड है, किस पे प्यार आएगा, वो दे देगा ना आधा मार्क ज़्यादा. अ टास्क इज सॉल्व्ड, हाफ मार्क वी हैड टू अर्न, वी हैव अर्नड इट. अच्छा वो डायग्राम बिना डायग्राम बनाए आपने बस लिख दिया, पूरा पेज भर के लिखा है सागरमाला पूरा लिख दिया, ठीक है, हाउ इज़ इट मेकिंग योर पेपर डिफरेंट. वो क्यों रुक के उसको पढ़ेगा, एग्जामिनर के पास से फॉर एग्जाम्पल 20-25 पेपर्स हैं आज, वो सबके वही सागरमाला 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 पढ़ रहा है, बोर हो गया है, सबको एवरेज देता जा रहा है 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, राइट, वाई इज ही गोइंग टू गिव यू 4.5 or 5, बिकॉज यू हैव रिटन द सेम थिंग्स ना. अच्छा एवरी वन इज मेकिंग डायग्राम्स ब्लू 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 ब्लू, वाई इज ही गोइंग टू गिव यू दैट एक्स्ट्रा मार्क. तो दीज आर द रीजन्स, ठीक है. प्लस अभी आपके पास कोट्स तैयार है, तो सागरमाला के इसमें पोर्ट्स आर बीइंग डेवलप्ड इन द डिफरेंट रीजन्स, राइट, तो उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिस्पैरिटी ये वो जोड़ के फोर्स्ड ही सही कोई डिस्पैरिटी वाला कोट डाल दो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेनेबिलिटी वैसा वाला एक ग्रोथ, एंड लिंक इट टू सागरमाला कि सी हाउ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ले लो आधा मार्क यार, राइट. सो द होल थिंग इज अबाउट गेटिंग दोज हाफ मार्क्स. रेफरेंसेस जैसे इकोनॉमिक सर्वे हो गया या ARC रिपोर्ट्स, जैसे भुवनेश सर ने कहा है कि ARC रिपोर्ट पढ़ो ना पढ़ो डजंट मैटर, उतना नॉलेज आ जाता है, एक जनरल रिकमेंडेशन दे सकते हो एज राइटली सेड इन दी ARC रिपोर्ट्स, राइट, या किसने लिखा है पता नहीं तो एज राइटली सेड वो समझ लेगा, किसी महान व्यक्ति ने ही लिखा होगा, राइट, बट लिखो वैसा, दिस इज गोइंग टू गिव यू एन एज, ठीक है. तो दिस इज सॉर्टेड अभी कि हमें मार्क्स कैसे चुराने हैं. पेपर वाइज कैसे करना है वो बताऊंगा बाद में, बट अभी हमें एज चाहिए, राइट, ये सब कोट्स वोट्स पढ़ना है रेफरेंसेस वगैरह. तो ये कौन से हफ्ते में पढ़ने वाले हो अभी इन 60 दिनों में, कोई हफ्ता है ऐसे डिसाइडेड फिक्स, तो ऐसा कोई हफ्ता आएगा नहीं कभी, या अगर आप पूरा साल पढ़ रहे हो तो ऐसा कोई महीना आएगा नहीं, तो यू हैव टू स्टडी इट एवरी डे. तो सोने से पहले का आधा घंटा ये चीज़ें करनी है. क्यों करनी है, क्योंकि ये दिन भर जो आप कर रहे हो ना वो आपको 1000 रैंक्स में लाएगा, बट आपको अगर 100 में आना है तो यू नीड समथिंग एक्स्ट्रा. तो वो आधा घंटा रोज का इज़ लाइक मल्टी विटामिन्स, रोज का खाना तो खा ही रहे हो ना बट यू नीड समथिंग रिवाइटल, वैसे वाला है वो. तो वो आधा घंटा एवरी डे यू हैव टू गिव इट. एंड रिविजन आई बिलीव इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज, बिना रिविजन के कुछ नहीं होगा, राइट. तो रिविजन कब करने वाले हो, रिविजन हम एंड में रखते हैं, राइट, जो एंड कभी आएगा नहीं, एंड अगले अटेम्प्ट में आता है फिर, तो वो मत करो, स्टार्ट रिवाइजिंग एवरी डे. रिविजन क्या होता है यार, जो हम पढ़ रहे हैं वो भूलने वाले हैं, ये तो पक्का पता है हमें कि भूलने तो वाले हैं ही, तो उसका सॉल्यूशन है रिविजन, राइट. सो एवरी डे वॉट यू डू इज, सी दिन की शुरुआत कैसे करनी है, उठ गए ना, ब्रश करने से पहले खुद से क्वेश्चन पूछो कि मैंने 2-3 दिन पहले या 5 दिन पहले क्या पढ़ा था, अब बताओ क्या पढ़ा था, याद आता है. हमें टॉपिक्स सब टॉपिक्स हेडिंग्स वी ट्राई टू रिमेंबर दोज, राइट. सो यू हैव टू डू देम रेगुलर, डू दीज थिंग्स रेगुलरली. तो उठते ही खुद से पूछना है कि मैंने क्या पढ़ा था, तो एक सीक्वेंस बनेगा दिमाग में, यू विल स्टार्ट थिंकिंग. तो जो टाइम पास आप दिन में करते हो रोज, जो रोज का उठते ही आधा घंटा एक घंटा वेस्ट होता है, उस टाइम पे आपका ब्रेन इज़ वर्किंग ऑन दीज थिंग्स कि मैंने क्या पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा, शेम ऑन मी, अभी याद नहीं आ रहा, एग्जाम में क्या लिख के आऊँगा, ये सब चीज़ें. फिर जैसे ही रेडी होते हो उसके आगे का एक घंटा सिर्फ रिविजन को डेडिकेट करना है. आपने 5 दिन पहले ही पढ़ा था, आपको पता है कहाँ से पढ़ा था, ज़्यादा एफर्ट भी नहीं जाएगा, फटाक से वो बुक उठाओ, हेडिंग्स देख लो, मेन पॉइंट्स देख लो, पता है कि मैं खुद से फिर ये क्वेश्चन 5 दिन बाद पूछूंगा, फिर मुझे नहीं आएगा, तो आज आप क्या करोगे, उसके शॉर्ट में नोट्स बनाओगे
कि बस यार इतना तो याद रह जाए, आई विल फील कॉन्फिडेंट, राइट। एक घंटे बाद आपको क्या फीलिंग आएगी, वाओ यार रिवाइज हो गया, ठीक है मैं भूल गया था, चलो अभी रिवाइज हो गया, एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगा, मैंने इसका शॉर्ट में भी बना लिया है सो दैट आई कैन रिवाइज इट इन द एंड वीक, राइट। यू विल टेक दिस कॉन्फिडेंस विथ यू ऑल अलॉन्ग, मतलब पूरा दिन आप इस कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ोगे कि वाह यार मेरा रिवाइज हो गया है। और जो भी आज पढ़ रहे हो, से आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हो, नहीं याद रहने वाला ना, बट एक कॉन्फिडेंस क्या है कि 5 दिन बाद मैं खुद से ये क्वेश्चन पूछूंगा तो मुझे आर्ट एंड कल्चर रिवाइज करना पड़ेगा, उसको कंसाइज करना पड़ेगा, सो दैट जब मैं खुद से पूछूं तो मैं कुछ हेडिंग्स कुछ पॉइंट्स बता सकूं। सो एवरी डे यू आर मेकिंग इट कंसाइज, योर रिविजन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड और आपको एंड का टेंशन नहीं आएगा, तो यू विल ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड। और एज तो आपके पास है ही, तो गलती कर दी किसी फ्रेंड ने आपके कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया करंट अफेयर्स या कुछ भी, तो आपने रिवीजन तो कर ही रखा है, ऊपर से रोज के कोट्स तो हैं ही दिमाग में, तो बस फिर वो रिवीजन जो सुबह या कल परसों किया था वो बोल दिया, एक कोट बोल दिया, तो हो गई कॉम्पिटिशन ख़त्म उधर ही, है ना। सो यू डोंट जस्ट हैव टू सर्वाइव दिस कॉम्पिटिशन, यू हैव टू सक्सीड। सो दीज आर द थिंग्स, स्मॉल मॉडिफिकेशंस, क्योंकि रिवीजन सब करने वाले, कब करना है दैट इज़ इम्पोर्टेंट, पढ़ाई सब करते हैं, ठीक है, क्या पढ़ना है सब बोलते हैं, कैसे पढ़ना इज़ मोर इम्पोर्टेंट हर चीज़। एनसीईआरटीज़ की जब बात की थी हमने, तो एनसीईआरटीज़ जैसे भुवनेश्वर ने बताया कि सारी एनसीईआरटीज़ आर नॉट इम्पोर्टेंट, जैसे इकोनॉमिक्स की आर गुड, ज्योग्राफी की आर मस्ट रीड, ठीक है, तो ऐसे डिवाइड कर लो आप कि कौन सा गुड टू रीड है, कौन सा मस्ट रीड है। इकोनॉमिक्स जब एनसीईआरटी सपोज पढ़ रहे हो, एक ज्योग्राफी में भी माइग्रेशन वाला टॉपिक आएगा, जो पुश पुल वाली बात हुई थी, एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो, कितना इन्फॉर्मेशन होता है उसमें, बहुत ही कम, वो आंसर लिख के आएंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो गेन क्या हो रहा है, वो तरीका मुझे सही नहीं लगता एनसीईआरटी पढ़ने का। क्या करो, हेडिंग माइग्रेशन है, एक बेस क्रिएट हो गया ना, सर्च इट ऑनलाइन, माइग्रेशन गूगल कर लो, माइग्रेशन इन इंडिया, माइग्रेशन इन इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया या इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू, यू विल गेट सम आर्टिकल्स, कोई भी एक दो आर्टिकल्स उठा के पढ़ लो, डेटा मिल जाएगा, या माइग्रेशन इनसाइट्स ऑन इंडिया, माइग्रेशन आईएएस बाबा, उनके आर्टिकल्स, विजन आईएएस या क्रोम, किसका भी, किसी का भी, विच एवर यू लाइक, यू विल गेट सम इन्फॉर्मेशन। एक 15-20 मिनट में एनसीईआरटी से माइग्रेशन पढ़ लिया, 15-20 मिनट में यहाँ वहाँ से पढ़ लिया, आधा घंटा एक घंटा आपके पास थोड़ा डेटा आ गया, छोटे से पेज पे लिख दिया, उसको चिपका दिया एनसीईआरटी में, माइग्रेशन इज सॉर्टेड। अब मेंस में क्वेश्चन आएगा तब भी आप लिख पाओगे, राइट। होता क्या है, जब आप रिवाइज करते हो ना, आई हैव सीन पीपल सेइंग कि मैंने सारी एनसीईआरटीज 2 दिन में निपटा दी, या मैं 1 दिन में सारी एनसीईआरटीज निपटाता हूँ, और मुझे 3-3 दिन एक एनसीईआरटी में लगता था पढ़ने में, क्यों, बिकॉज मैंने हर टॉपिक को ऐसे पढ़ा था एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी इज़ अ गाइडलाइन, इट इज़ मतलब आपको बताता है कि क्या इम्पॉर्टेंट है इस टॉपिक में, इट्स योर ड्यूटी टू सर्च ना। या आप आगे कुछ पढ़ रहे हो, आगे कुछ आ गया, सपोज इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, उसके ऊपर बहुत सारा आ गया, तो व्हाट यू कैन डू इज़ वो आर्टिकल निकालो, उसके पॉइंट्स जो भी वो निकालो, और जहाँ ड्रेनेज सिस्टम्स हैं, इंडिया ड्रेनेज सिस्टम्स ज्योग्राफी में, वहाँ चिपका दो यार। सो व्हाट हैपन्स इज़ वहाँ तुम्हें डायग्राम मिलेगा, सारी रिवर्स मिलेंगी, वो आर्टिकल भी है, कोई एक उनकी डायग्राम, एक गूगल पे डायग्राम भी है, वो रेड में उन्होंने इंटरलिंक कर रखा है, वो डायग्राम प्रिंट आउट लेके चिपका दो, कितना ब्यूटीफुल कंपाइलेशन होगा। देखो जब आप आपकी एनसीईआरटी ख़त्म करोगे, आपके पास सारे आर्टिकल्स ख़त्म हो रखे होंगे, तो अलग से आपको रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, टॉपिक वाइज आप सिलेक्टिव होके उतना पढ़ रहे हो, राइट, और पूछने ही वाले हैं, दिस इज़ द राइट वे। सो एनसीईआरटी पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पढ़ो मत पढ़ो डजंट मैटर, यूपीएससी डजंट केयर, बट अगर पढ़ रहे हो तो आपका तरीका डिफरेंट होना चाहिए, राइट। फिर स्पेसिफिक्स थोड़ा मैं बताता हूँ, देन विल टेक क्वेश्चंस इन शॉर्ट, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि एक जनरल स्टडी टेक्निक ऐसी होती है, अब अगर हम स्पेसिफिक्स में जाएँ, से फॉर एग्जांपल ऐसे कैसे प्रिपेयर कर रहे हो अभी, ऐसे हैवी प्रिपेयर, जैसे हमने टॉपिक्स बताए ना, तो 20 टॉपिक्स कुछ है, तो उसको डिवाइड कर लो डेज में, और हर दिन थोड़ा थोड़ा टाइम दे देना उसको, क्योंकि अलग से टाइम नहीं मिलने वाला, तो जब टाइम दे रहे हो तो उसमें सम अमाउंट ऑफ टाइम शुड बी स्पेंड ऑन दीज एज मटीरियल्स, कि उस टॉपिक पे कोट्स डेटा वगैरह वो सर्च करो गूगल पे, फटाफट उसके 2-3
कंपाइल करके रख लो, या मार्केट कंपाइलेशंस होंगी तो वो ले लो, देन उस टॉपिक पे गूगल सर्च करो, कुछ आर्टिकल्स आएंगे, काम काम के आर्टिकल्स सेव कर लो. नाउ हाउ आर यू कंपाइलिंग दीज थिंग्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज मैंने जब स्टडी स्टार्ट की थी तो वॉट आई डिड वॉज फिजिकली करता था मैं, वो कटिंग पेस्टिंग बुक्स बनाना, फिर वो बुक्स बहुत बड़ी होती जाती है जो रिवाइज नहीं होती. देन आई स्टार्टेड यूजिंग एवर नोट एंड ऑल, आई फाउंड इट रियली यूजफुल. तो अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो करना स्टार्ट कर सकते हो, इट्स नॉट लेट, 60 डेज इज क्वाइट सम टाइम, अब उसको यूज़ कर सकते हो. क्या करो, उसके टॉपिक्स बनाओ, टॉपिक्स लिखो, एक एक फोल्डर बनाओ, इफ़ यू आर कम्फर्टेबल विथ वर्ड यूज वर्ड नोट एनीथिंग, टॉपिक बनाओ, हर टॉपिक के नीचे उसका कोट, उसका इंट्रो, उसकी बॉडी के ऊपर जो सोचा है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, कंक्लूजन. एवरी टॉपिक हैज़ टू बी डन दिस वे, ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में, सो दैट लास्ट डे आप ये सब रिवाइज कर सको. अंडरस्टूड, दिस इज़ फॉर एसे. ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये सब डिटेल्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा. मैंने एक YouTube चैनल बनाया है, UPSC स्मार्ट स्टडी विद सुयश चौहान, उसमें मैं एक एक टॉपिक पे डिटेल बता रहा हूँ, तो आप अगर चाहो तो वो देख सकते हो. स्पेशली जिनका मेंस है ना, सब कुछ मत देखो, उसमें हाउ टू इम्प्रूव योर स्कोर वाला एक वीडियो है, वो देख सकते हो 2x स्पीड पे, ठीक है, क्योंकि मैंने जनरल पब्लिक के लिए स्लो बोलते हुए बनाया हुआ है, तो यू कैन सी दैट. नहीं, थैंक यू. सो ऐसे का ही है शॉर्ट में, ठीक है, ये करना है. ब्रेनस्टॉर्मिंग जब आप ऐसे के लिए कर रहे हो, कैसे करना है कि अभी ये बताना ज़रूरी नहीं है आई गेस कि ऐसे प्रैक्टिस कैसे करना है वगैरह, आप लोगों ने की हुई होगी, वो स्टार्ट इनिशियल फेजेस में इंपॉर्टेंट है. अभी क्या करो, आप मार्केट से ऐसे कंपाइलेशंस वगैरह मिलते हैं टॉपर्स के वगैरह होते हैं यहाँ पे, तो क्या करो, टॉपिक देखो, खुद उसका ब्रेनस्टॉर्म करो पॉइंट्स, और फिर पढ़ो वो ऐसे टॉपर का कि उसने क्या एक्स्ट्रा लिखा है, फिर वो अपने इसमें ऐड करो, हो गया वो टॉपिक. स्पेंड लाइक 15 मिनट्स पर टॉपिक, ऐसे ब्रेनस्टॉर्म करना है. ब्रेनस्टॉर्म कैसे करोगे, अलग अलग टेक्निक्स है. मैं क्या फॉलो करता था, GS अप्रोच लगाओ किसी भी चीज़ को. ग्लोबलाइजेशन की अगर बात कर रहे हैं तो GS अप्रोच से, GS 1 में क्या क्या टॉपिक्स है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, ज्योग्राफिकल, आर्ट एंड कल्चर. GS 2 में पॉलिटिकली कुछ है क्या, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बोला गया है क्या, सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरनेशनल रिलेशन उस पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्लोबलाइजेशन उस इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो. GS 3 अगेन, GS 4 इथिकल पर्सपेक्टिव. इस तरीके से अगर सोचोगे तो पॉइंट्स, ज़्यादा पॉइंट्स निकल आएंगे. दिस इज़ अ गुड वे ऑफ ब्रेन स्टॉमिंग, बट इट डजेंट स्टॉप हियर. आपके पास बस पॉइंट्स आएंगे, राइट, उसको आपको क्या कहते हैं, पिरोना है अच्छे से, सो दैट कम्स इन अ फ्लो. ऐसे नहीं होना चाहिए कि हिस्टोरिकल के बाद डायरेक्ट ज्योग्राफिकल पे आ रहे हो, फिर आर्ट एंड कल्चर, ये तो हमने सोचा है वैसे. हम उसको अच्छे से लिख सकते हैं कि इंट्रो एक अच्छा सा दे दिया, फिर आ गए हिस्टोरिकल पॉइंट पे, फिर कहीं जाके सोसाइटल पर्सपेक्टिव, इथिकल पर्सपेक्टिव डाल दिया. ऐसे उसको ऑर्डर करके एक अच्छी सी स्टोरी बनानी है उसकी, ठीक है, ऐसे करो. देन देर आर अदर अप्रोचेस ऑल्सो, जैसे पॉजिटिव निगेटिव, प्रोज एंड कॉन्स वाला, स्टेक होल्डर अप्रोच, कि ग्लोबलाइजेशन पे नीचे से ऊपर तक, मजदूर, फार्मर, मिडिल क्लास, अपर क्लास, नेशनल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, कैसे इम्पैक्ट हो रहा है, दिस इज स्टेक होल्डर अप्रोच. या फिर प्रोज एंड कॉन्स वाला बोल दिया, या फिर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म में क्या हो, शॉर्ट टर्म में क्या हो रहा है, लॉन्ग टर्म में, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर अप्रोच. ये सारी चीज़ें आपको 15 मिनट में सोचनी है, 15-20 मिनट में पहले, तो आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे ये सारे अप्रोचेस लगा के. फिर एक 5 मिनट में उसको अरेंज कर लो ऊपर नीचे, एंड देन स्टार्ट राइटिंग, राइट, इंट्रो, कंक्लूजन और बॉडी में ये सब ब्रेनस्टॉर्मिंग, फिर लिखना स्टार्ट करो, तब आपका ऐसे बहुत अच्छा आएगा. फिर 150 मार्क्स तो आने ही है, बट दिस इज़ द वे, ठीक है, ये उसका हो गया. इथिक्स का सर ने बहुत अच्छे से बताया है. इथिक्स का मैं एक ऐड करना चाहूँगा कि बुकिश, जैसे बताया, बुकिश लैंग्वेज में मत फंसो, अपने लैंग्वेज में बोलना है. हर टर्म का डेफिनेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आपको समझ आ गया बस हो गया. इंटेग्रिटी, हाउ टू डिफाइन इट, हु केयर्स, कोई ज़रूरत नहीं है. समझ आ गया ना आपको क्या होता है, तो उसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल आपका, और एक आइडियल एग्जाम्पल जो किसी बड़े लीडर का, ऐसे प्रिपेयर करके रखो हर पॉइंट का, ठीक है. ऑनेस्टी का, आपका, आपने कैसे ऑनेस्टी दिखाई थी, एंड किसी ग्रेट लीडर ने क्या बोला था, या उन्होंने कैसे दिखाई थी, इस तरीके से. देन GS 4 में पहले यू हैव टू सॉल्व केस स्टडीज, ठीक है.
मैंने अपने पूरे प्रिपरेशन में सिर्फ एक टेस्ट दिया था, प्रैक्टिस टेस्ट, ठीक है, GS2 का. मैंने GS4 कभी सॉल्व ही नहीं किया था. क्या करता था, एक केस स्टडी, उसको बस थोड़ा सा पढ़ लिया, देख लिया, लिख लिया, बस. पूरा पेपर कभी सॉल्व नहीं किया, दैट वॉज अ ब्लंडर. जब मैं मेन एग्जाम में आया, मैंने टाइम डिवाइड कर रखा था आधा केस स्टडीज़ के लिए, आधा इनिशियल पार्ट के लिए. केस स्टडी वाला पार्ट हो गया 90 मिनट्स में, आई वॉज वेरी हैप्पी. और पहले वाले पार्ट में कुछ 7-8 क्वेश्चंस होते हैं, आई थॉट 10 मिनट्स पर क्वेश्चन इज मैनेजेबल. मुझे ये भी नहीं पता था कि हर क्वेश्चन में सब बिट्स होते हैं 4-5. वो जब मैंने देखा तो द टाइम गॉट रिड्यूस टू लाइक 1 मिनट 2 मिनट पर क्वेश्चन, और इतना फास्ट लिखना पड़ा है. थैंकफुली GS वाइज कोट्स थे या रेफरेंसेस, एग्जाम्पल्स वो रेडी थे, वो लिख के आ गया मैं, आई कुड मैनेज इट. बट ये ब्लंडर नहीं करना है. जब पेपर सॉल्व करोगे तो पूरे पूरे पेपर सॉल्व करना है, ठीक है, बिट बाय बिट नहीं. अभी 60 डेज में ऐसा मत करो कि आज एक पेपर सॉल्व किया फिर पढ़ाई की, ऐसे नहीं करना है. पढ़ाई करो 1-7 दिन, एक दिन डिसाइड करो कि मुझे इस दिन पे पेपर देना है, उस दिन सुबह से शाम तक वही काम है. जैसे एग्जाम होती है, सुबह एक पेपर, खाना कम खाओ, भूखे पेट दूसरा पेपर, ठीक है. पढ़ रहे हो तो हर कंडीशन में पढ़ो, जैसे टूटी हुई बेंच पे दे दो कभी, कंफर्टेबल होके नहीं देना है, कभी गर्मी में दो, बिकॉज यू नेवर नो कि कैसा सेंटर आएगा. हमें रोना नहीं है वहाँ पे, सिमुलेटेड प्रैक्टिस का वही मतलब होता है. तो ये करना है. GS4 आई थिंक इस तरीके से करोगे तो यू कैन स्कोर मोर, ठीक है. हर क्वेश्चन में, GS के भी क्वेश्चन में रेफरेंस कोट्स वोट्स डालने हैं, अपना कुछ नुकसान नहीं है, डालते जाओ जो दिमाग में आ रहा है डालते जाओ, ठीक है. इट इज़ सेड कि आइडियल आंसर शुड हैव एन इंट्रो बॉडी कंक्लूजन. आई वुड रादर से एन आइडियल आंसर इज़ वन विच एड्रेसेस एवरी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. आप इंट्रो कंक्लूजन ना लिखो, नोबडी केयर्स, बट यू हैव टू एड्रेस इट. बड़ी बड़ी हेडिंग में डालो कि यार देख मैंने ये आंसर किया है सब बिट, उसके अंदर लिखो. एंड इफ पॉसिबल इंट्रो ना दो तो भी चलेगा, कंक्लूजन देना. क्योंकि मार्क्स कब देता है इंसान, इंट्रो पढ़ के मार्क्स नहीं डालता ना, कंक्लूड होने के बाद मार्क्स डालता है. सो कंक्लूजन इज मोर इम्पॉर्टेंट आई बिलीव. तो इंट्रो चाहे जस्ट डिफाइन द टर्म, क्या पूछा गया है उसको, छोटा सा कोई करंट इवेंट है वो लिख सकते हो इंट्रो में, दैट इज ऑल्सो ओके. यू कैन बी क्रिएटिव बट ओनली इफ यू हैव मोर टाइम, अदरवाइज जस्ट स्टार्ट, आंसर इट. कंक्लूजन में अच्छा सा कुछ ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन या रियलिस्टिक कंक्लूजन एंड एन ऑप्टिमिस्टिक सॉल्यूशन, ये दो चीज़ें डाल दो उसमें, ठीक है, तभी तो वो खुश होगा, थोड़ा अच्छा लगेगा और मार्क्स ज़्यादा देगा, राइट. एंड दैट इज़ ईजी, बिकॉज क्या होता है, हम इंट्रो सोचने में आधा मिनट गवा देते हैं किसी भी क्वेश्चन में, तो वैसा मत करो, एड्रेस द क्वेश्चन फटाफट, कंक्लूजन कुछ अच्छा सा दे दो. अगर आप बहुत अच्छे हो जाओ आंसर राइटिंग में, देन यू कैन फॉलो इंट्रो बॉडी कंक्लूजन, बट दैट सेल्डम हैपन्स, मतलब उतना फ्रीक्वेंटली हम हर क्वेश्चन को वैसे डिवाइड नहीं कर पाते. देन GS हो गया, GS 1, 2, 3 ये सब 4, उसको पढ़ने के लिए उसको जब पढ़ रहे हो तो फोकस मोर ऑन GS 4, GS 1 एंड essays. GS 2, GS 3 इज़ लाइक क्विक सैंड, दलदल होती है ना, कि अगर उसमें फंस गए तो बाहर नहीं निकलोगे, तो बाकी चीज़ें नहीं पढ़ पाओगे. सो बेटर वे, कंप्लीट GS 4 फर्स्ट. इफ़ यू हैवेंट कंप्लीटेड इट येट, तो पहले GS 4 पे फोकस करना है. उससे होगा ये कि यू विल हैव ऑल दोज व्हाट ग्रेट लीडर्स हैव सेड या ऑल दोज थेरीज, वो आपके दिमाग में होंगी, एंड यू कैन यूज़ दोज एथिकल एस्पेक्ट्स इन ऑल योर आंसर्स. एथिकल एस्पेक्ट हर जगह लिखना है, GS 2 में, 3 में, essays में भी, बिकॉज इट गिव्स अ वेरी गुड फीलिंग. कोई अगर एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा है, बीट एनीथिंग, कुछ भी, जैसे ग्लोबलाइजेशन बोल रहे थे, उसके बाद भी एक कोई एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोल दिया कुछ, तो नेचुरली पढ़ने वाले को अच्छा लगेगा, राइट. ऑप्शनल तो मेरा मेडिकल साइंस था, तो आई डोंट थिंक किसी को ज़्यादा यूज़ आएगा, बट आपका मेडिकल साइंस है, आपने पढ़ाई स्टार्ट करी है, अभी दे रहे हो एग्जाम? अच्छा, तो अगर आपके पास टाइम है तो आई वुड सजेस्ट कि चेंज करो. या टोटली, दैट इज़ माई रिकमेंडेशन. क्योंकि प्रॉब्लम इज़, मेरा 60-70% टाइम मेडिकल साइंस पढ़ने में गया है. क्योंकि आई हियर पीपल कि उनका ऑप्शनल 3 बुक्स का है, 4 बुक्स का है, 5 बुक्स का है, अपना एक सब्जेक्ट 5 बुक्स का है, और ऐसे 15-20 सब्जेक्ट्स हैं, तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है वो. सो स्पेंडिंग 70% ऑफ टाइम ओवर देयर एंड इट डजंट हेल्प यू इन द GS, फिर GS का अलग से टेंशन,
उससे अच्छा अगर बायो के स्टूडेंट हो तो एंथ्रोपोलॉजी इज वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग, वो ले सकते हो. अच्छा अगर आपको लेना है अभी एंथ्रो, एंथ्रो एंथ्रो पहले 10 में से 4 एंथ्रो वाले हैं यार, कोई ऑप्शन ही नहीं है. एंड जैसे भुवनेश सर ने बताया जो पॉइंट्स है जिसके ऊपर आप लेते हो कोई ऑप्शनल डिसाइड करते हो, वो मुझे पता नहीं था, आई डिडंट हैव दैट गाइडेंस. आई वाज अंडर द इंप्रेशन कि यार मेरा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन है तो इजी जाएगा, बट वैसा नहीं होता. अगर भुवनेश मैकेनिकल लेते तो बहुत डिफिकल्ट होता, राइट? तो क्या करो, फर्स्ट पॉइंट जो उन्होंने बताया स्कोर, पिछले 3 साल में स्कोर किसका अच्छा है, एंथ्रो इज गिविंग स्कोर्स, राइट? सेकेंड इज वेदर इट हेल्प्स इन योर जीएस. अगर 3-4 ऑप्शंस ऐसे हैं जो स्कोर दे रहे हैं उसमें से कौन सा जीएस में हेल्प करता है वो चूज़ करो. इंटरेस्ट विंटरेस्ट बाद की बात है, वो डेवलप कर लेंगे, ठीक है. इंटरेस्ट तो मुझे इकोनॉमी में भी नहीं है, मुझे पॉलिटी में भी नहीं है, पढ़ना पढ़ाना. सो दैट इज़ द लास्ट थिंग, पहले ये देखो कि जिसमें टाइम जा रहा है वो हेल्प कर रहा है या नहीं, ठीक है. हमें कोई ज़िंदगी भर नहीं पढ़ना, एक दो साल. आई डोंट थिंक आई एम द राइट पर्सन, वो तो वही लोग पढ़ सकते हैं. वैसे हमारी बैच का एक YouTube चैनल है एंड वी हैव अ फेसबुक पेज, ठीक है. हम लोगों ने 100-200 ऑफिसर्स ने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, तो आपकी ये जो स्पेसिफिक क्वेरीज है किसी ऑप्शनल के रिगार्डिंग आप उस पर पूछ सकते हो, ठीक है. बैच 2018 गाइडेंस पेज फेसबुक एंड यूट्यूब, तो आप उस पर पूछ सकते हो. Yeah, sure, sure. See, if you are taking medical science, I'll always help you. But if you have the chance to like change your optional, so it's better. उतना time का problem क्या है, आप उसमें भी 300 score ला सकते हो. But the thing is the amount of time that you are investing, उतने time में आप यहाँ बहुत सारी चीज़ें पढ़ लोगे. और बहुत मुश्किल गया, तभी तो इतना दिल से बोल रहा हूँ. आई हैव बीन एक्सपेरिमेंटिंग अ लॉट. पहले रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ता था एवरी डे, हिंदू पढ़ रहा हूँ, फिर 2 दिन छूट गया, टेंशन आ गया क्या होगा मेरा, कुछ नहीं हो सकता. फिर कभी बीच में कोई टूर मार लिया तो एक हफ्ता भर छूट गया, तो पार्टनर ने बोला तेरा तो कुछ नहीं होगा अभी इस साल, ये हफ्ता भर तूने पेपर नहीं पढ़ा, क्योंकि वो बंच आ जाता है ना, वो खुला ही नहीं है पेपर का, पाइल होता जाता है, तेरा कुछ नहीं हो सकता. फिर मैंने डिसाइड किया कि लेट्स थिंक डिफरेंटली. फिर टाइम कम था तो NCERTs तो 6th से पढ़ नहीं सकते, तब मैंने सोचा कि क्यों पढ़ूँ मैं को नहीं पढ़नी 6th की NCERT. सो द थिंग इज़ दैट मैंने खुद को नेक्स्ट अटेम्प्ट का ऑप्शन नहीं रखा था, यही अपना लास्ट है, तो मेरे पास टाइम कम था. सो आई हैड टू एक्सपेरिमेंट एंड दैट वर्क्ड. सो ऑल आई हैव टू से इज़ कि अटेम्प्ट बैड लक से हो, अटेम्प्ट आपको गाइडेंस ना मिले उसकी वजह से हो, दैट इज़ टोटली फाइन, वो होता है. कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करके कोई बड़ा तीर नहीं मारता, ठीक है, बहुत लक फैक्टर होता है, सब कुछ होता है. बट द थिंग इज आप कम मत पढ़ना इसमें, थिंक दैट दिस इज योर लास्ट अटेम्प्ट, अभी आगे मैं दूंगा नहीं, तब आप एक एक्स्ट्रा ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे कि मेरे पास ऑप्शन नहीं है. या फिर इफ़ समवन सेज दैट यू कैनॉट डू इट दिस वे, सो यू विल थिंक सम अदर वे कि नहीं मुझे इसी साल करना है. इफ़ समवन सेज कि बिपिन चंद्रा तुमने नहीं पढ़ी यार कैसे क्रैक करोगे, नॉर्मल लॉ नहीं पढ़ी कैसे क्रैक करोगे, तो यू कैन से कि नहीं पढ़ी तो नहीं पढ़ी, देखते हैं कुछ और पढ़ लूँगा, छोटा पढ़ लूँगा, आई रीड इट ट्वाइस, आई गूगल इट और इन्फॉर्मेशन लाऊँगा, राइट? तो मैनेजेबल बुक्स पढ़ो, जो सब पढ़ते हैं वो पढ़ के ही क्रैक कर सकते हो ऐसा नहीं है, इट शुड बी मैनेजेबल. एंड में इट कम्स डाउन टू रिविजन इन दैट 1 वीक, तो उसमें ये बड़ी बड़ी बुक्स आपके काम नहीं आने वाली. आपके करंट अफेयर्स के नोट्स उतने परफेक्ट कभी नहीं होने वाले जितने इनसाइट्स ऑन इंडिया के एक्सपर्ट्स या IAS बाबा के एक्सपर्ट्स बनाने वाले, या जितना अच्छा विजन IAS का मंथली आएगा. होंगे क्या आपके नोट्स? मेरे तो नहीं होते थे, तो देन आई स्टॉप एवरीथिंग. मैंने कहा मैं क्यों मेहनत करूँ, वो बेचारे मेरे लिए फ्री में मेहनत कर रहे हैं, तो लेट्स यूज़ दैट, लेट्स बी स्मार्ट. अब उसको और स्मार्टली कैसे कर सकते हैं वो सोचो. देयर वॉज दिस क्वेश्चन ना कि मंथली पढ़ें या डेली, सर ने बहुत अच्छे से एड्रेस किया है, यू हैव टू डू बोथ, देयर इज नो ऑप्शन. पेपर हम पढ़ नहीं रहे, एक इंसाइट्स और एक विजन, 2 क्लास रिलायबल क्लासेस है, वी कैन फॉलो दैट. वॉट वी कैन डू इज रोज जब पढ़ रहे हैं सो डिवाइड इट इन फोल्डर्स टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज, और अगर इकोनॉमिक्स का है तो वो GS3 इकोनॉमिक्स फोल्डर में वो पार्ट कॉपी पेस्ट कर दो. से फॉर एग्जाम्पल यू आर रीडिंग सम न्यूज़ ऑन इनसाइट्स ऑन इंडिया विच इज़ रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, तो उसमें पेस्ट, वैसे फटाफट पेस्ट कर दो. एंड मंथ के एंड में 2-3 दिन विजन IAS को दे दो. सो इन दी एंड आपका करंट अफेयर्स कैसे रिवाइज कर सकते हो आप,
जीएस वाइज करंट अफेयर्स आपने डिवाइड कर रखा है, कंपाइल कर रखा है, एक तो ये ऑनलाइन नोट्स एंड सेकेंड इज यू विल हैव लाइक 10-12 विजन आईएएस के कंपाइलेशंस. ओके, अगर विजन आईएएस के वो नहीं पढ़ पाए तो उसको भी छोड़ दो, वो मत पढ़ो. एंड में पीटी 365 या मेंस 365 अच्छे से पढ़ लो, ठीक है. सो डेली करंट अफेयर्स प्लस पीटी या मेंस 365.